तो ये है वीवो का z1x, और इसका स्पेसिफिकेशन जो है, फर्स्ट लुक कैसा है आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसमें हम खेलने वाले हैं पबजी मोबाइल, तो ये बैटरी परसेंटेज अभी है 70%, और देखेंगे कि इसमें गेम खेलने के बाद कितने परसेंटेज बैटरी बचता है। और अभी जो टेम्परेचर है वो 33% आगे की, और जो पीछे जो टेम्परेचर हमके दिखाई दे रहा है वो है 34 या फिर 33, जो भी कहिए 34 ही हम समझ देखते हैं। और तो इसको देख लेते हैं और गेम खेलने के बाद आपको रिव्यू देते हैं, और आप भी चेक कीजिए कि गेम कैसा चल रहा है। और FPS जो है आपको 30-40 FPS में, HD में आपको हाई मिल जाता है, और HDR आपको खेल नहीं सकते, तो ठीक है HD में हम खेलते हैं। तो HD और हाई में हम इस गेम को खेलेंगे, जो TPP जो गेम मोड है तो उसको हम HD में और हाई ग्राफिक्स में खेलेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट कर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा है, और 39-40 FPS हमको मिल रहा है, 39 स्टिल हमें दिख रहा है। तो 7 से 12 जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 712, ये एक रिलायबल चिपसेट है, और ये काफ़ी गेम के लिए काफ़ी एफिशिएंट है, और गेम काफ़ी स्मूथली चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और 40 वाइब्रेशन जैसे हमको z1 Pro में मिला था वैसे ही, और इस मोड में हम पूरी तरह से खेलेंगे पूरे मैच को। और उसके बाद तो यहाँ पर एक मैच हमने खेल लिया है, दूसरी मैच हम खेलने के शुरू करते हैं। और जो FPS जो है उसमें काफ़ी चेंजेस नहीं है, जो 39-40 FPS हमें मिल जाता है। और प्राइसिंग जो है इस डिवाइस का अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो अगर प्राइस आपको z1 Pro से कम रखता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है, 4500 mAh का बैटरी आपको मिलता है, तो बैटरी और जो एमोलेड स्क्रीन है उसकी वजह से। तो इसका टेम्परेचर हम ले लेंगे, पीछे जो टेम्परेचर दिखा रहा है 36.9, पीछे जो टेम्परेचर है तो 34 और 36, और आगे के साइड जो टेम्परेचर है और यहाँ पर है 37.5, ये टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है इसमें। तो आप इसमें बहुत मतलब आसानी से पबजी को 1-1.5 घंटा तो खेल ही सकते हैं। ग्राफिक्स तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है यहाँ पर, HD हाई मिलता है आपको, तो मैं HD में हाई में ही खेल रहा था। तो और ये जो ग्राफिक्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं अगर आप हाई ग्राफिक्स में अगर खेलते हैं, और इसमें आपको कोई लैग वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रोसेसर है 712 प्रोसेसर है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये काम में ले लेता है, आपको एक अच्छा एक गेमिंग एक एक्सपीरियंस देगा आपको। और जो अभी आपने FPS जो सेट किया है, और उसके बाद FPS हमको मिल रहा है 29-30, और ये काफ़ी स्मूथ भी चल रहा है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी लैग कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आएगा।
दोस्तों वीवो का जो अपकमिंग स्मार्टफोन है वीवो z1x काफ़ी दिनों से बहुत चर्चे में है और ये 6 सितंबर को फ्लिपकार्ट में लॉन्च होने ही वाला है और ये कंफर्म हो चुका है। और ये फ़ोन जो है ये वीवो z1 प्रो का एक सक्सेसर है और इसमें काफ़ी सारे चीज़ें इंक्लूड किया गया है जो वीवो z1 प्रो में नहीं था। और इसमें भी शायद ऐसा कुछ लिखा होगा कि ये PUBG क्लब ओपन ऐसा वगैरह कुछ, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि इसमें वो PUBG क्लब ओपन ऐसा वगैरह लिखा होगा नहीं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि